हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी क्लास इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ब्रीफली अबाउट दी डिफरेंट मोड्स ऑफ दी एटीपी जनरेशन ठीक है अलग अलग टाइप के बारे में हमने उसमें मेंशन किया था कि वहाँ पर तीन टाइप के अलग अलग मिकैनिज़म है कि जिसके थ्रू एटीपी का जनरेशन होता है ठीक है एफ टाइप ए टी देन पी टाइप ए एंड वी टाइप ए ओके तीन टाइप के एफ ए टी पी एस प्रेजेंट है सो so, यहाँ पर हम फर्स्ट टाइप के ए टी पी एस के बारे में डिस्कस करेंगे दट इज दी एफ टाइप ए टी पी एस ओके और अल्सो नोन एज द एफ वन एफ ओ और एफ जीरो ए टी पी एस सो इट इज़ नोन एज द एफ वन एफ जीरो ए टी पी एस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ दी टू सब यूनिट ओके एक सब यूनिट है उसका नाम है एफ वन सब यूनिट

ठीक है उसी की तरह सेम यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर एंड मिकेनिज्म होगा एफ टाइप ए टी पी एस का ठीक है इट इज अ एंजाइम विच जनरेट ए टी पी एस क्या है इट इज विच जनरेट दी ए टी पी और इट विल पार्टिसिपेट इन दी ए टी पी ब्रेक डाउन ओके दोनों ही फंक्शन कर सकता है ए टी पी एस सो इट इज वन टाइप ऑफ द ए टी पी एस एफ टाइप ए टी पी एस उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सो द लोकेशन ऑफ द एफ टाइप एटीपीएस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ठीक है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होगा उसकी इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा एफ टाइप एटीपीएस ओके नाउ इट कैटालाइजिस द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी फ्रॉम द एडीपी एंड फॉस्फेट अकंपेन्ड बाय द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स ओके यहां पर एफ एफ टाइप एटीपीएस का फंक्शन क्या है एटीपी का फॉर्मेशन ठीक है कैटेलाइज इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टी पी किसमें से एटीपी का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम एडीपी एंड फोस्फेट एंड कंप्लीट बाय द फ्लो ऑफ दी प्रोटोन्स ओके यहाँ पर प्रोटोन का फ्लो भी होगा एफ टाइप एटीपीएस विल ट्रांसपोर्ट द प्रोटोन्स ओके हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ ए ट्रांसपोर्टर टाइप की है एक्सचेंजर या फिर कोर ट्रांसपोर्टर ठीक है सो यहाँ पर H प्लस यानी कि प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होगा वन साइड में से दूसरी साइड पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा उसी टाइम पर ए एंड फोस्फेट दोनों का यूज़ होके उसमें से ए का सिंथेसिस होता है इट इज अल्सो नाउन एज दी कॉम्प्लेक्स फाइव इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ठीक है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फाइव है वो क्या है एफ टाइप ए टी पी एस ओके सो इट इज नॉन सो नोन एज दी कॉम्प्लेक्स फाइव अभी ये कॉम्प्लेक्स फाइव किस प्रकार वर्क करता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्पोलाइजेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे ठीक है आपको इस यूनिट में ऑक्सीडेटिव फॉस्पोलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करना ही है सो इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द टू फंक्शनली डिस्टिंक्ट एंटिटीज दैट आर द एफ वन एंड एफ जीरो ओके मेनली दो अलग अलग सब यूनिट का बना हुआ होगा एफ टाइप ए टी पी एस दी टू सब यूनिट्स आर दी एफ वन एंड एफ जीरो ओके दे फंक्शन इन अ रोटरी लाइक मैनर ओके यहाँ पर एफ वन एफ जीरो किस प्रकार फंक्शन करता है रोटरी लाइक मैनर ठीक है एक सब यूनिट रोटेट होगा उसकी इफेक्ट से दूसरे सब यूनिट में भी मूवमेंट होगी ठीक है और उसी की वजह से एटीपी का जनरेशन होता है एफ वन इज द पेरीफेरल मेंब्रेन प्रोटीन मीन्स इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेन ओके जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड प्रेजेंट है ठीक है मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा एंड एफ जीरो इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन ओके नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दी एफ वन एफ जीरो ए टी पी एस ओके okay, आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में एफ वन एफ जीरो लिख के भी दिखाया गया है कि कौन कौन से पार्ट एफ वन के हैं एंड कौन कौन से पार्ट एफ जीरो के हैं ठीक है आगे हम अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एफ वन एफ जीरो में क्या क्या सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है सो द एफ वन इज कंसिस्ट ऑफ फाइव सब यूनिट्स ओके अल्फा थ्री बीटा थ्री गामा डेल्टा एंड एपसाइलन ओके आप यहाँ पर एफ वन सब यूनिट में देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर राउंड दिखाए गए हैं, ठीक है अल्फा बीटा यूनिट्स सो देर आर दी थ्री अल्फा यूनिट्स एंड थ्री बीटा यूनिट्स ठीक है सो अल्फ़ा थ्री बीटा थ्री देन गामा ओके यहाँ पर नीचे जो साफ्ट लाइक like है ठीक है यहाँ पर जो ये सभी अल्फा बीटा के साथ अटैचड है वो गामा देन गामा के साथ एप्साइलन सब यूनिट भी जुड़ा हुआ है

स्ट्रक्चर ऑफ दी पी एफ वन पार्ट ऑफ दाइप ए टी पी एस ओकेट इज कंसिस्ट ऑफ दब इट रिटेन द ए टी पी एस फंक्शन वेन श्रिप्ड फ्रॉम देंब्रेन ओके अगर हम एफ वन एटी एफ वन पार्ट को मेमब्रेन में से रिमूव कर ले तो भी उसका फंक्शन है वो उसी तरह रहेगा ठीक है इट रिटेन्स इट्स फंक्शन इट इज़ बिल्ड एज एग्जाम्पर Of alpha and beta unit, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर अल्फा एंड बीटा सब यूनिट दोनों का एग्जामर फॉर्म होता है ठीक है तीन अल्फा सब यूनिटाम कोर कंसिस्टिंग ऑफ दामा सब यूनिट ठीक है यहाँ पर जो ये बीच में गामा सब यूनिट है उसके आस अल्फा बीटा सब यूनिट प्रेजेंट है ठीक है फिगर में आप देख सकते हैं इजीली द इंटरफेस बिटवीन अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स फॉर्म द थ्री न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग कैटालिटिक साइट वेयर एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू द एटीपी और वाइस वर्सा ठीक है यहाँ पर अल्फा एंड बीटा दोनों के बीच में जो जगह है ठीक है अल्फा बीटा के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर एडीपी का फॉर्मेशन होता है ठीक है इट कैन बाइंड टू द एडीपी एंड विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी एटीपी में से एडीपी का फॉर्मेशन भी हो सकता है वहाँ पर एंड एडीपी में से एटीपी का फॉर्मेशन भी हो सकता है ठीक है एंड यहाँ पर अल्फा बीटा सब यूनिट तीन तीन अल्फा बीटा सब यूनिट प्रेजेंट है ठीक है so सो इन दोनों के इंटरफेस भी कितने तीन प्रेजेंट हो गए ठीक है सो एट अ टाइम वहाँ पर थ्री न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड कर सकते हैं और The alpha-beta subunits will form the three nucleotide binding catalytic site. Okay. So, this was the basic idea about the F1 part of the ATPS. The second part or second subunit is the F0 subunit. Okay? It consists of the three subunits A1, B2 and C10 plus or minus 1. ठीक है यहाँ पर तीन ए बी सी तीन सब यूनिट का बना हुआ होगा एफ जीरो जो है वो सब यूनिट ठीक है so, सो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं वन ए सब यूनिट ठीक है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वन ए देन टू बी सब यूनिट्स ओके okay, देट आर अटैच टू द डेल्टा सब यूनिट ऑफ दी एफ वन यहाँ पर दो बी सब यूनिट डेल्टा के साथ अटैचड एंड देर आर टेन प्लस ओ माइनस वन सी सब यूनिट प्रेजेंट हो गए ठीक है सो यहाँ पर सी जो है वो एक रिंग जैसा फॉर्म करता है मेमब्रेन के अंदर ठीक है सो इट इज़ नाउन एज द रोटेटिंग रोटेशन ऑफ दी रिंग ओके और रोटेटिंग सी रिंग सी रिंग का रोटेशन होगा तो वहाँ पर ए टी पी का जनरेशन होता है ऊपर ठीक है मिकैनिज़म हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार ए टी पी का जनरेशन होगा ओके okay? सो so, यहाँ पर सब यूनिट समझ में आ गए एफ वन इज़ अप ऑफ दी फाइव सब यूनिट ठीक है थ्री अल्फा, थ्री बीटा वन डेल्टा वन गामा एंड वेन वन एफसेलन ठीक है एंड एफ जीरो सब यूनिट इज मेड अप ऑफ दी थ्री सब यूनिट ए बी टू एंड टेन प्लस और माइनस वन सी सब यूनिट्स क्लियर टुगेदर दे फॉर्म अ रोटरी मोटर ओके एफ वन एफ जीरो दोनों एक साथ मिलकर एक रोटरी मोटर रोटेशन मोटर का मोटर बनाता है ठीक है मोटर की तरह वर्क करता है विच कैन रोटेट ओके मोटर रोटेट होती है तो उसका फंक्शन होगा इस प्रकार का यहाँ पर वर्क होगा ठीक है एक रोटेशन हुआ एटीपी का जनरेशन हुआ अगेन एफ वन एफ जीरो का रोटेशन हुआ तो वहाँ पर दूसरा ए टी पी जनरेट होता है ठीक है सो इट विल बेसिकली वर्क एज द मोटर रोटरी मोटर नाउ द मेकेनिज्म फॉर द एटीपी जनरेशन और द वर्क ऑफ द एफ वन एफ जीरो ओके किस प्रकार ये दोनों सब यूनिट्स वर्क करते हैं एज दी प्रोटोन्स बाइंड टू दी सब यूनिट्स ऑफ एफ जीरो डोमेन ओके प्रोटोन्स है एच प्लस okay? वो कहाँ पर बाइंड करेंगे एफ डोमेन में ठीक है आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि एफ जीरो जो सब यूनिट है ठीक है एफ जीरो का जो ये सी पार्ट है वहाँ पर एच प्लस बाइंड हो रहे हैं ठीक है सो एच द प्रोटोन्स बाइंड टू सब यूनिट ऑफ द एफ जीरो डोमेन दे कोज पार्ट ऑफ इट टू रोटेट ओके नीचे यहाँ पर एफ जीरो में ए टी पी का बाइंडिंग होगा सॉरी प्रोटोन का बाइंडिंग होगा तो वो क्या करेगा इट विल कोज इज अबॉन रोटेशन ओके जो यहाँ पर एफ जीरो सब यूनिट के सारे पार्ट्स है सारे सब यूनिट है उनका रोटेशन होगा दिस रोटेशन इज प्रोपेगेटेड बायोकेम केम साफ्ट टू दी एफ वन डोमेन ओके एफ वन एफ जीरो एक दूसरे के साथ इस प्रकार अटेस्ड है कि यहाँ पर एफ जीरो डोमेन में रोटेशन होगा तो वो एफ वन को भी मूव करता है ठीक है एफ वन डोमेन में भी मूवमेंट देखने को मिलेगी एन फोस्फेट और इनऑर्गेनिक फोस्फेट बाइंड स्पॉन्टानियसली टू दी थ्री बीटा सब यूनिट्स ऑफ दी एफ वन डोमेनो के अल्फा वो अल्फ़ा बीटा सब यूनिट, यूनिट के बीच में जो न्यूक्लियोराइड बाइंडिंग साइट है वहाँ पर ए डी पी एंड फोस्फेट दोनों का बाइंडिंग होगा जैसे ही यहाँ पर मूवमेंट हुई वहाँ पर ए डी पी एंड फॉस्फेट का बाइंडिंग होता है ठीक है so that every time it goes through the 120 degree rotation atp is released okay rotational catalysis ke roop mein bhi ise jana jata hai okay ek round 120 degree ka rotation pura hoga to ek atp ka generation hoga theek hai binding kab hota hai atp ka जब एफ जीरो डोमेन में प्रोटॉन का बाइंडिंग होगा ठीक है एच प्लस एफ जीरो डोमेन में बाइंड होता है तो उसका एक रोटेशन होगा ठीक है वहाँ पर रोटेशन होगा सब यूनिट का एफ जीरो के सब यूनिट का देन दिस विल लीड्स टू दी रोटेशन इन दी एफ वन डोमेन एफ वन डोमेन में भी मूवमेंट होगी और वहाँ पर ए डी पी प्लस पोस्टेट का बाइंडिंग होगा क्लियर अभी एफ वन डोमेन का वन ट्वेंटी डिग्री रोटेशन होगा ठीक है वन ट्वेंटी डिग्री उसका मूवमेंट होगा तो उस टाइम पर वहाँ पर ए डी पी प्लस फोस्पेट में से ए टी पी का सिंथेसिस होता है ठीक है वन ट्वेंटी डिग्री जितना रोटेशन हो जाए तो उसके बाद ए टी पी का सिंथेसिस होगा जो ए डी पी वहाँ पर बाइंड हुए हो उसमें से ठीक है अगर मेकेनिजम आपको डिटेल में नहीं समझ में आई है तो हम आगे एक वीडियो भी देख रहे हैं ठीक है थीके? उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि, कि किस प्रकार ए टी पी का जनरेशन होता है एफ टाइप ए टी पी एज में Okay. A concentration gradient of protons across a membrane drives the synthesis of ATP by a large complex in the membrane called ATP synthase. ATP synthase, also called the F one FO ATP synthase, has two main parts F1, which protrudes into the cytoplasm and FO which sites in the membrane. FO consists of twelve identical subunits designated C. A central stock called gamma subunit extends from FO through F one. Surrounding the gamma subunit in F one are three pairs of alpha and beta subunit, which serves as sites of ATP synthesis. Other subunits designated A and B connect the F one knob to the membrane the proton gradient across the membrane drives fo to rotate protons enter through a channel in subunit a and move into the c subunits causing fo to rotate in 120 degrees steps around the axle protons are released from the c subunits into the cytoplasm note that the fo rotates the axle also rotates but f1 does not F1 is held in place by its connection to the membrane through A and B subunits. However, the axial turned inside F1 causes F one to change conformation, catalyzing the formation of ATP from ADP and inorganic phosphate. An ATP molecule is produced for every three protons that crosses the membrane through the ATP synthase channel. This function in which a proton potential powers atp production is highly conserved atp synthase complexes with the same general structure can be found in the cell membranes of bacteria in the inner membranes of mitochondria and in the thylakoid membranes of chloroplasts so this was all about the f type atps in our next lecture we will discuss about the other types of the atps okay Thank you so much, students, for watching this video. And if you have any doubt, then please ask in the comment box. Thank you.